Secretary General will convey to the members of the bereaved family our sense of profound sorrow and deep sympathy. Papers to be laid on the table. Sri Prakash Javedkar. I rise to lay, sir, on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 1 in today's revised list of business. Sri Gajendra Singh Shekhawat. Honorable Deputy Chairman, sir, with your permission, I, on behalf of my colleague, Sri Dharmendra Pradhanji, Minister of Petroleum and Natural Gas, rise to lay on the table of the House the papers listed against his name at serial number 2 in today's revised list of business. Sri Santosh Kumar Gangwar. माननीय सभापति जी आपकी अनुमति से आज दिनांक 10/8/18 की संशोधित कार्य सूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 3 पर उल्लिखित दस्तावेज मैं सदन के पटल पर रखता हूं। डॉक्टर महेश शर्मा। डिप्टी चेयरमैन सर, ऑन बिहाफ ऑफ माय कोलीग श्री महेश शर्मा, आई राइज टू ले ऑन द टेबल ऑफ द हाउस द पेपर लिस्टेड अगेंस्ट हिज नेम एट सीरियल नंबर 4 इन टूडेज रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस। श्री मनोज सिन्हा। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची की क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखता हूं। श्री राजकुमार सिंह। सर, आई राइज टू ले ऑन द टेबल ऑफ द हाउस पेपर्स मेंशनड अगेंस्ट माय नेम एट सीरियल नंबर 6 ऑफ टुडेज रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस। श्री एसएस अहलुवालिया। उपाध्यक्ष महोदय, आज की संशोधित कार्यवाही में संख्या 7 पर अंकित मेरे नाम के आगे दस्तावेज मैं सभा पटल पर रखता हूं। श्री राजेन गोहेन। सर, आई राइज टू ले ऑन द टेबल ऑफ द हाउस द पेपर्स मेंशन अगेंस्ट माय नेम एट सीरियल नंबर 8 इन टुडेज रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस। श्री पुरुषोत्तम रूपाला। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की राज्यसभा की पुनरीक्षित कार्य सूची में क्रम संख्या 9 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी एवं अंग्रेजी में सभापटल पर रखता हूं। श्री शिव प्रताप शुक्ला। माननीय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 10 पर अंकित कागजात पटल जो है सभापटल पर रखता हूं। श्री अश्विनी कुमार चौबे। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात को सदन के एक पटल पर प्रस्तुत करता हूं। श्री किरण रिजिजू। सर, आई राइज टू ले ऑन द टेबल ऑफ द हाउस द पेपर्स लिस्टेड अगेंस्ट माय नेम एट सीरियल नंबर 12 इन टुडेस रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस। श्री अजय टमटा। मैं क्रम संख्या 13 पर के सम्मुख उल्लेखित कागजात को आज की कार्य की संशोधित सूची के अनुसार सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं। श्री मनसुख मंडाविया। सर, विथ योर परमिशन आई राइज टू ले ऑन द टेबल ऑफ द हाउस द पेपर लिस्टेड अगेंस्ट माय नेम एट सीरियल नंबर 14 इन टुडेज रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस। श्री सीआर चौधरी। ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, with your kind permission, I lay on the table of the House the paper listed against my name at serial number 15 of today's revised list of business. Thank you, sir. Dr. Satyapal Singh. मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यावली में क्रम संख्या 16 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखता हूं। मैसेज फ्रॉम लोकसभा सेक्रेटरी जनरल टू रिपोर्ट। सर, विद योर काइंड परमिशन, I rise to report that the Lok Sabha at the sitting held on the 9th August 2018 had agreed to the amendments made by the Rajya Sabha to the National Commission for Backward Classes Repeal Bill 2018 passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 6th of August 2018 to pass the Representation of the People Amendment Bill 2018. 3. Pass the Central Goods and Services Tax Amendment Bill 2018. 4. Pass the Goods and Services Tax Compensation to States Amendment Bill 2018. 5. Pass the Union Territory Goods and Services Tax Amendment Bill 2018 and passed the Integrated Goods and Services Tax Amendment Bill 2018. The Speaker has certified that the certain Central Goods and Services Tax Amendment Bill 2018, the Goods and Services Tax Compensation to States Amendment Bill 2018,
the Union Territory Goods and Services Tax Amendment Bill 2018 and the Integrated Goods and Services Tax Amendment Bill 2018 are money bills within the meaning of Article 110 of the Constitution. I lay a copy of the following bills on the table. 1. The Representation of the People's Amendment Bill 2018. 2. The Central Goods and Services Tax Amendment Bill 2018. 3. The Goods and Services Tax Compensation to States Amendment Bill 2018. 4. The Union Territory Goods and Services Tax Amendment Bill 2018. And 5. The Integrated Goods and Services Tax Amendment Bill 2018. Report of the Public Accounts Committee, Sri Bhuneswar Kalita. Honorable Deputy Chairman, sir, I rise to lay on the table of the House a copy in English and Hindi of the 112th report of the Public Accounts Committee 2018-19 on the subject incorrect adoption of exchange rate and undue benefit to the service providers. A statement of the Railway Convention Committee. Sri T.K. Rangarajan. Thank you, Deputy Chairman, sir. Statements on the Railway Convention Committee. Against my name, I lay on the table a copy of English and Hindi, the following 7 statements of the Railway Convention Committee. Thank you. Report of the Committee of the Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribes, Sri Amar Sankar Samle. धन्यवाद उपसभापति महोदय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन के संबंध में 15वें प्रतिवेदन 16वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 27वें प्रतिवेदन की एक प्रति इंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर रखता हूं। स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर श्री पुरुषोत्तम रूपाला। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके अनुमति से आज के लिए संशोधित कार्यसूची में मेरे वरिष्ठ मंत्री श्रीमान राधामोहन सिंह जी के नाम के समक्ष क्रम संख्या 1 के समक्ष दर्शाया गया वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूँ। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। वाइस चेयरमैन सर, विद योर परमिशन ऑन बिहाफ ऑफ माय सीनियर कलीग श्री धर्मेंद्र प्रधान सीनियर मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस राइज टू मेक द स्टेटमेंट इन द हाउस लिस्टेड अगेंस्ट हिज नेम एट सीरियल नंबर 2 इन टुडेज रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस दिस मे प्लीज बी कंसिडर्ड एज रेड। श्री संतोष कुमार गंगवार। सर विद योर परमिशन आई विश टू ले द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन of recommendations observations contained in the 26th report of the department related parliamentary standing committee on labor on exempted organizations trust establishments from EPFO performance issue and challenges the status of implementation of the recommendations contained in the 28th report of the standing committee on labor on cess fund and their utilization for workers welfare pertaining to the Ministry of Labour and Employment, the status of implementation of the recommendations contained in the 34th report of the Standing Committee on Labour on demands for grants 2018-19 pertaining to the Ministry of Labour and Employment. Thank you, sir. Sri Rajan Gohain. I rise to make a statement on the status of implementation of the recommendation contained in the 19th report of the Parliamentary Standing Committee on Railways. 16 Lok Sabha. The 19th report of the Committee on Demand for Grants 2018-19 of Ministry of Railways presented to the Rajya Sabha on 6 March 2018 contained 12 recommendations and action taken notes thereon were furnished to the Committee on 25th July 2018 in English and Hindi. A statement showing details of all the recommendations contained in the report and implementation status thereof is enclosed. Since the statement is voluminous, I request that the same may be taken as read. Sri Ajay Tamta.
महोदय, मैं आपकी अनुमति से वस्त्र मंत्रालय की अनुदान मांगों 2018-19 के संबंध में विभाग संबंधी, श्रम संबंधी, संसदीय स्थायी संबंधी समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतिम सिफारिशों समितियों के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं। श्रीमती कृष्णा राज, भाई आज पहला दिन है सारे सदन की तरफ से, हम सब की तरफ से, हमारा 267 है। मैटर्स टू बी रेज्ड विथ परमिशन, श्री तिरुचि शिवा डीएमके। सर डॉक्टर कलंगर एम करुणानिधि, द टॉलेस्ट लीडर ऑफ द कंट्री एंड द ड्रविडियन स्टॉलवार्ट, has passed away after living 5 years short of a century, out of which he has contributed 80 years for public life, fighting for the cause of the downtrodden and the backward and the suppressed people, sir. Sir, yes, been, he headed a political party for 50 years uninterrupted, and he's got a long list of achievements which will be feathers in his credit crown. Sir, he was an outstanding orator, a prolific writer, a novelist, a short story writer, a philosopher, a philanthropist, and also a dramatist. He was an actor, and he has written scripts for 80 movies, sir. Sir, he is unparalleled, and he made a mark in all the walks of life, and he excelled everyone, and his life is cannot be described in words. Sir, I would like to say, sir, he was a staunch and untiring soldier, and he was fighting for till the last breath for social justice, secularism, state autonomy, and self-respect. And as a 5-time chief minister, sir, he has legislated historical laws which are to be remembered ever by the history. If to highlight equal rights for women in the ancestral property, widows rehabilitation, and slum clearance board, and many other boards for unorganized sector, and even for transgenders, he has brought so many revolutionary reforms, sir. And he has coined new names with dignified, those people who have been insulted. And he was the first one to abolish rickshaws which were pulled by men. That was a very radical and progressive achievement. So he said, no person should live on slum, and slums should be removed, and in that place, high stories must come. Sir, I would like to urge, sir, and even the differently abled was coined by him. It is not an exaggeration if we could call him a history or an epoch. He shook hands for relationship, and at the same time never compromised in policies and never hesitated to raise voice for the rights. Sir, I would urge the government to confer upon him posthumous Bharat Ratna Award, which will be a real tribute for his outstanding and exemplary marks he has marked in the annals of history. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. जिन लोगों ने भी एसोसिएट किया है काइंडली उनका नाम नोट कर लें। आप कृपया जैसा माननीय चेयरमैन ने कहा स्लिप पे नाम भेज दें तो सुविधा होगी। माननीय उपसभापति महोदय, मेरा 267 का नोटिस है और वो नोटिस इस सदन की कार्रवाई निलंबित करके एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा का है। मैं और मेरा दल चाहते हैं पूरा विपक्ष के सदन व्यवस्थित रूप से चले। आप पीठ पर विराजमान हैं, इसलिए यह आग्रह कि जो नोटिस दिया गया एक बहुत बड़े घोटाले का, रफेल डील का, इसमें 33,000 करोड़ की रिश्वत के आरोप, 61,000 करोड़ का बर्बाद। माननीय आनंद जी, चर्चा हो, माननीय आनंद जी, आप बड़े, माननीय आनंद जी, आप बड़े अनुभवी, मेरा एक आपसे आग्रह, आप बड़े अनुभवी सांसद हैं, आप जानते हैं जिस धारा के तहत आप ये बहस चाहते हैं उसकी परमिशन सिर्फ चेयरमैन दे सकते हैं। चूंकि चेयरमैन ने हमें इजाजत नहीं दी है तो इस विषय पर बहस के लिए मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता। मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात सुनी जाए, चूंकि मेरी बात सुनी जाए, उसके बाद जैसा आप कहेंगे मुझे ये कहना आप, है आप यहाँ की परंपरा नहीं, चूंकि बोलने की अनुमति है, बिल्कुल चर्चा की अनुमति नहीं है, आपने बोलने की अनुमति है। उपसभापति महोदय, मैं एक
आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ इस सदन के अंदर। एक मिनट में मेरी बात सुन लें, मेरी बात आप सुन लें दोनों तरफ। आप मेरा आपके माध्यम से सरकार से भी आग्रह है, इस सदन ने पहले भी कोई भी विषय आया है, चाहे जब हम उस तरफ बैठे थे, चाहे 2G की बात की थी, माननीय आनंद जी, माननीय बनी है, आज कोई कारण माननीय उप नेता फैसला जो प्रधानमंत्री कांग्रेस ने, चूंकि कांग्रेस का फैसला नहीं प्रधानमंत्री का फैसला है, उन्होंने बिना कैबिनेट कमेटी की सिक्योरिटी के ऑथराइजेशन के फ्रांस में जाके माननीय गुना से ज्यादा 36 जहाज, ये कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, चूंकि इसकी इजाजत माननीय चेयरमैन ने बहस के लिए नहीं दी है। जब चेयरमैन ने इनको इजाजत नहीं दी है तो ये अर्धगल आरोप सरकार के ऊपर या प्रधानमंत्री के ऊपर लगा नहीं सकते हैं। जो लोग खुद भ्रष्टाचार के अंदर डूबे रहे 10 साल तिमरे, वो आज श्री विश्वजीत तिमरे, ये बिल्कुल गलत है। श्री विश्वजीत सर, सर ये मेरे जो जीरो आवर का श्री विश्वजीत तिमरे महत्वपूर्ण है। विश्वजीत तिमरे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ओपोजिशन को भी कम से कम हम जैसे एक मेरा कृपया अनुरोध है कि शांति बना रखे, चूंकि इस विषय पर माननीय चेयरमैन ने इसको स्वीकार नहीं किया इसलिए बहस की इजाजत नहीं है। आप कृपया चेयरमैन से मिले इस बारे में बात करें। शून्यकाल में बड़े महत्वपूर्ण विषय है, केरल में काफी लोग मरे हैं कल दुर्घटना में, उन सारे विषय आने वाले हैं। मेरा आपसे आग्रह होगा कि लोग महत्वपूर्ण विषय को हम ले सर श्री विश्वजीत बिंद्रे प्लीज फिर से शुरू कीजिए प्लीज। सर सभापति महोदय, इस जीरो आवर में मैं एक नॉर्थ ईस्ट के जो उग्रवादी का समस्या है, एक ये पूरा इस समस्या को लेके यहाँ पर हमारे हाउस में और सरकार के नजर में लाना चाहता है। सर हम सभी जानता है नॉर्थ ईस्ट का जो उग्रवादी समस्या है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ बात ये है कश्मीर जैसा नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी लोगों ने कोई म्यांमार के साथ, भूटान के साथ, चाइना के साथ वो लोग जाने के लिए वो नहीं बोला है, इसलिए यहाँ हम लोग कश्मीर को जितना सीरियस लेते हैं नॉर्थ ईस्ट को इतना नहीं ले रहा है। लेकिन सर ये समस्या समाधान करने की बहुत जरूरी है और इसके लिए सारे नॉर्थ ईस्ट का उग्रवादी संगठन आज सीज फायर करके शांति एक वातावरण वहां पर किया है और गृह मंत्रालय ने जिनको भी उनके लिए इंटरलॉक्टर बना दिया है उनके साथ बात कर रहा है। लेकिन दुख के बाद है सर, आज नागा का समस्या 20 साल होने के बाद भी समाधान नहीं हो रहा है और वहां का जो इंटरलेक्टर है पता नहीं इतनी साल क्या बात कर रहे हैं। इसके बाद भी सर वहां पर एनडीपी है, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, जो 2005 के साथ बात कर रहा है लेकिन समस्या समाधान नहीं हो रहा है। वहां के उल्फा के साथ 2002 से बात कर रहा है लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। मणिपुर के जो सारे उग्रवादी हैं यूपीए वो लोग एक कोऑर्डिनेशन बना लिया, उनके साथ लास्ट 10 ईयर से बात कर रहा है लेकिन कोई समस्या समाधान नहीं हो रहा है। तो सर अगर किसी भी समस्या हम बात करके समाधान नहीं कर सकता है तो इसका उपाय क्या है? मेरा प्रश्न है ये सारे इंटरलोकेटर क्या हो रहा, क्या कर रहा है, इसके ऊपर मॉनिटरिंग किया कि नहीं किया? हर समय हम लोग रिटायर्ड पर्सन को वहां पर बैठता है, कैबिनेट स्टेटस दे देता है, इसके बाद नोटिस के समस्या समाधान के लिए जिम्मेदारी देता है लेकिन आज तो कोई फॉल नहीं हुआ। सर 2003 में बोडो लिबरेशन टाइगर का एक सरकार के साथ बात करके वहां एग्रीमेंट हुआ था और इस एग्रीमेंट होने के बाद असम में शांति आया है, लेकिन उसी एग्रीमेंट का भी जो प्रोसेस था, जो बाधा था, ये अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। कार्बी और बोरो जो जनजाति है वहां का, वो लोग पहाड़ और आपका भयम इस इलाका में जनजाति नहीं है, पता नहीं उसी टाइम संविधान में 1950 शेड्यूल ट्राइब जब ऑर्डर किया था क्यों असम के ट्राइबल को एक पहाड़ एक भयम क्यों किया था, जो कि पंजाब और हिमाचल के लोगों को। आपका समय खत्म हो गया, मेरा आगे का आप बहुत जल्द खत्म करें, समय खत्म हो चुका है आपका, ये रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, आप कृपया समाप्त करें, समय खत्म, आपका समय खत्म हो गया। माननीय लोपी कुछ कहना चाहते हैं? सर सबसे पहले तो आपको बधाई, आज शुरू में आप बैठे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी अध्यक्षता में सदन चलेगा और सब
लोगों के साथ, सब पार्टीज के साथ न्याय भी होगा। सर इस सदन में हमेशा इस सदन में हमेशा विपक्ष और सरकार की सहमति से, और माननीय चेयरमैन जो भी चेयरमैन हो और डिप्टी चेयरमैन उनकी सहमति से, हर हफ्ते जब भी सेशन चले, दो कॉलिंग अटेंशन और एक शॉर्ट ड्यूरेशन पे चर्चा होती है। और अधिकतर हमको भी 39 साल इस सदन में हुए, मुझसे पहले भी कुछ साथी यहाँ हैं, उस साइड भी हैं, अहमद भाई हमसे पहले आए थे 2.5 साल, तो हमेशा विपक्ष, क्योंकि हम ज्यादातर सत्ता में रहते थे तो विपक्ष को इसमें 90% हिस्सा मिलता था कॉलिंग अटेंशन और शॉर्ट ड्यूरेशन पर, हमेशा विपक्ष को मिलता था। और जैसे मैंने परसों भी बताया था, कल ही बताया था, कि विपक्ष को और कोई फोरम नहीं है, सरकार तो सरकार चलाती है 365 दिन, अब विपक्ष को तो एक ही मौका मिलता है, सदन सदन खत्म हो गया, उसके बाद कौन पूछता है, स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दें, उसके बाद तो बात खत्म हो गई। लेकिन एक मौका मिलता है कि जहां आमने सामने सरकार और विपक्ष होता है और उसका समाधान निकलता है सदन में। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि इस सेशन, पहले तो सरकार, ये विंटर सेशन हो मॉनसून सेशन हो, 1.25 महीने का होता था, अब घटते घटते ये 18 दिन था, 18 दिन में भी 4 दिन फ्राइडे थे, 14 दिन का हुआ, 14 दिन में आप बिल क्या पास करेंगे, 14 दिन में आप कॉलिंग अटेंशन कहां लेंगे, 14 दिन में आप, क्यों आखिर दिन है इसलिए बोला, 14 दिन में आप बाकी शॉर्ट ड्यूरेशन कैसे ले लेंगे, ये संभव नहीं। मैं गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा सरकार से कि आने वाले सेशन को पूरा, विंटर सेशन और मॉनसून सेशन जो 1.25 महीने का होता है वो होना चाहिए, ताकि हम सबको एकोमोडेट और हमारी बात सुनने का मौका मिलेगा। सर इस सेशन में जहां के हर हफ्ते में दो कॉलिंग अटेंशन और एक शॉर्ट ड्यूरेशन होनी चाहिए थी, जिसमें सरकार को एक मिलना चाहिए था हिस्सा और दो हमें मिलने चाहिए, पूरे सेशन में विपक्ष को एक भी कॉलिंग अटेंशन और एक भी शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं मिली, इसलिए मेरा निवेदन होगा कि बार बार हमने राफेल डील पे चर्चा करने की मांग की है, शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस दिया है इस सदन में। मैं देख रहा हूं कि इंदिरा गांधी से, राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक, जब भी इस तरह का कोई विपक्ष की तरफ से मांग हुई है, कोई संदेह हुआ है, कोई शक हुआ है किसी परचेज पर या घोटाले पर, उस पे जेपीसी बनती आई है, ये बहुत बड़ा विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, इस पे जेपीसी होने श्री श्री सर 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 मेरा आपसे आग्रह है, अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं देश में, प्राकृतिक आपदाएं हुई हैं, बहुत लोगों के लिए लोग गंभीर समस्या है, उन पर कुछ नोटिसेज हैं, हम बात कर रहे हैं फिर जाएंगे। और माननीय एलओपी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस विषय पर, जो माननीय उपनेता विपक्ष उठा रहे हैं वो अभी सवाल, कि चूंकि आप जानते हैं आपका संसदीय अनुभव बहुत समृद्ध है, मैं उसका आदर करता हूं, इस नोटिस के तहत चेयरमैन ने परमिशन नहीं दिया है बहस के लिए, तो आप चेयरमैन से मिले, जरूर बात करें और जैसी चीज होगी। सर आगे श्री सुखेंद्र शेखर मंत्री, माननीय मंत्री श्री विजय गोयल जी कहना चाहते हैं। सर मुझे एलओपी बोल चुके हैं, कृपया उन्हें बोलने दे। सर नेता एक मिनट, मेरे बात बोल लीजिएगा अब, कृपया सर नेता विपक्ष ने जहां तक संसद चलने की और संसद में ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई हो और संसद के सेशन के जो दिन हैं वो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, इस पर सरकार को कभी भी कोई एतराज नहीं रहा। अगर ये शुरू के अंदर
अगर ये शुरू के अंदर कृपया दिन थे तो वो धीरे धीरे करके पिछले सालों के अंदर जैसा हुआ सरकार अपना कामकाज लेकर आ रही है। और मैं विपक्ष का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि जिन बिलों को उन्होंने सुचारू रूप से निकालने के अंदर मदद की। पर सर संसद जो है वो देश के लिए अच्छे काम करने के लिए और जो सरकार बिल लाती है और नेशनल इंटरेस्ट में होते हैं, जो आम जनता के फायदे के लिए होते हैं, उसके कानून पास करने के लिए है। संसद एलिगेशन लगाने के लिए नहीं है। अगर आप झूठे एलिगेशन लगाएंगे, आप प्रधानमंत्री का नाम लेंगे, आपके पास कोई सबूत नहीं होंगे और आप बेवजह इन आरोपों को उठाएंगे किसी को दिल कृपया तो आपको इजाजत नहीं दी जा सकती है जी। और आप ये सर रूल 238 कहता है प्रोसीजर रिगार्डिंग एलिगेशन अगेंस्ट मेंबर्स, नो एलिगेशन एलिगेशन एज गिवन प्रीवियस इंटीमेशन टू चेयरमैन एंड ऑल्सो टू बैठ जाए कंसर्न कुछ सो दैट द पर्पस ऑफ द रिप्लाई। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं अभी कॉलिंग अटेंशन मोशन सोशल मीडिया और मॉब लिंचिंग के ऊपर आप बैठ जाए लोग की गई लोग अमित शाह जी को जो हमारे न केवल संसद सदस्य हैं पार्टी के प्रेसिडेंट हैं बोलने नहीं दिया। आगे इशू है ये बात रखने का मौका नहीं दिया। और उसके बाद एग्रीकल्चर पर किसानों के लिए जो काम किए गए हैं कोशिश की गई तो आपने बोलने नहीं दिया। और अभी मेरा ये कहना है विजय जी कि आगे इलेक्शन को इस बात का अधिकार नहीं जाता है कि वो बेसलेस झूठे एलिगेशन किसी भी प्रकार के लगा। मैं अब सिर्फ चेयरमैन ने आपका एक्सेप्ट नहीं किया है तो आप विचार को नहीं रख पॉइंट ऑफ ऑर्डर अभी भी नहीं इजाजत दे सकते उसकी। हम सुखेंदु शेखर राय माय जीरो आवर इज ऑल अबाउट ए डिफरेंट इशू व्हिच कंसर्न्स द इंटरनेशन। सर वी अंडरस्टैंड दैट ए म्यूजियम ऑन नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड द आजाद इन फौज शैल बी इनॉग्रेटेड एट द रेड फोर्ट प्रेमिसेस दिस ईयर। आवर नेशन इज सेलिब्रेटिंग द 75th year, that is Diamond Jubilee of the establishment of the Azad Hind government, that was the first free government of United India. Netaji Subhash Chandra Bose, as head of state of the provincial government of India, had hoisted the tricolor on the 21st of October 1943 at Singapore, and this government was recognized by 11 nations across the world. The Azad Hind Fauj captured Moirang in Manipur and half of Nagaland from the British forces, and Colonel Shaukat Ali Malik hoisted the national flag on 14th April at Moirang. Sir, the Azad Hind Fauj wanted to march up to Delhi and to hoist the flag at Red Fort, and the slogan was raised Chalo Delhi. Now, sir, it on the 75th anniversary of the establishment of Azad Hind Fauj government, a befitting tribute to Netaji Subhash Chandra Bose and the soldiers and martyrs of Azad Hind Fauj would be to inaugurate the Netaji and Azad Hind Fauj Museum at Red Fort on the 21st of October this year as a mark of 75th anniversary of the occasion. And I would request the government through you that a museum should be inaugurated only on 21st of October 2018 and not on other day. Otherwise, it will be irrelevant. This is my humble submission to you through the government. Dhanyavaad. Sri N. Gopal Krishnan. श्री ओम गोपाल कृष्णन नो जीरो और आगे अनेक लोग नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नाउ श्री श्री एन गोपाल कृष्णन सर श्री एन गोपाल कृष्णन गोकुल कृष्णन प्लीज इज ए प्राइमरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आगे एंड इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लिस्टेड है Sir, it is one of the best in Southeast Asia.
Gentlemen started Mr. Brand at Karaikal during the years 2016-17. आपने सीट पर जाए 50 students every year. आपने सीट पर जाए boon not only to Karaikal but also the adjoining districts of Nagapattinam, Thanjavur, Thiruvarur and Kadalur district of Tamil Nadu. So far, three batches of students have been selected and now the students of the third, fourth and fifth semesters require आपको बोल लेने दे प्रोफेसर साहब आपका तीसरे नंबर मेडिसिन सर्जरी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी एंड कम्युनिटी मेडिसिन सर व्हाई स्टार्टिंग कारकल यूनिट ऑफ जिपमर इन द ईयर 2016 पुलचेरी गवर्नमेंट हैड प्रोवाइडेड सम अरेंजमेंट्स पॉइंट ऑफ ऑर्डर नाउ मिस्टर नथिंग यू गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट दिस पर्सन 50 स्टूडेंट्स एज ऑफ नाउ देयर इज नो मान्यारण जी इनको पूरा कर लेने दीजिए अवेलेबल कोई अन्य चीज रिपोर्ट पे नहीं जाएगा सिवाय मिस्टर एन गोपाल कृष्ण के जीरो आवर इन द क्लिनिकल डिपार्टमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस दोज फैकल्टीज हु वांट टू जॉइन द जिपमर कारिकल आर नीडेड रेगुलर कोर्स सो दैट दे कैन गेट जॉब सिक्योरिटी एंड सैलरी बेनिफिट्स मंत्री जी कृपया सिंस देयर इज नो सफिशिएंट फैकल्टीज अवेलेबल एट कारिकल जिपमर Jipmer Puducherry administration is making temporary arrangements to shift the students of Puducherry so that the academic stream is not broken. This was not only the upset. This was not only upset the academic rhythm, but also upset of medical. कोई अन्य चीज आपके कहने के अलावा रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है. The situation has been arisen because of the non-sanctioning of 336 faculty posts. 1683 faculty post, non-faculty post and not providing sufficient infrastructure facilities at Karaikal Jipmer. However, in the recent standing academic committee meeting, the temporary shifting of students was approved. I was shocked to know that some members even went to the extent of suggesting discontinuation of admission for the next academic year 2019-20 if the full strength of faculties and infrastructures are not ensured by that time. Having planned for total project no cost of 491.7 crores for establishing Jipmer Karaikal, if it is given up now, it will reflect badly on the administration of Government of India. Since the request for sanctioning the posts are pending for the long time, aapka samay khatm hua, Sri Nadimul Haq. Sri Nadimul Haq sahab. Sir, I rise to raise the question of the need to curb the menace of ATM fraud. So, Honorable Deputy Chairman, sir. No point of order is allowed. कोई point of order की इजाजत अभी नहीं है. इस बैठ जाए. Sir, क्या बैठ जाए राजबब्बर जी? There has been 78 reported cases of ATM fraud. Nothing will go on record only. Only Nadimul Haq's statement. ATMs were fitted with skimmers to steal data from debit cards that were used there. Skimming devices copied data from debit cards, including information encrypted in the magnetic strip. So the three ATMs suspected to have been fitted with skimmers were used for transactions with at least 610 debit cards, sir, during the period they remained compromised. Sir, it is practically impossible to ascertain if a particular ATM card has been compromised until the duplicate is used. Sir, last week, two Romanian nationals were arrested in this connection with ATM frauds. Sir, they fraudulently withdrew around 20 lakhs from different bank accounts at unmanned ATMs using clone cards, sir. Sir, several incidents have come up where Romanians and Nigerians have used this sort of methods, sir, including in cities like Delhi, Mumbai, Jaipur, Hyderabad and Bengaluru. Sir, banks need to implement anti-skimming and whitelisting solutions. Security measures such as BIOS password, disabling USB port, disabling auto-run facility, applying the latest patches of the operating system and other software terminal security solutions are some of the measures which could be made mandatory for them, sir. Sir, we need to make sure that such fraudulent practices are eliminated for good and honest tax-paying citizens do not lose their hard-earned money. Professor Ram Gopal Yadav. Professor Ram Gopal Yadav. Professor Ram Gopal Yadav.
सर लुक एट रूल 258 अरे यार मेरा सुन ले प्रोफेसर रामगोपाल यादव नहीं सर यू लुक नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी की बातों के अलावा कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा देखने बोलिए ना सर आप 258 देखिए सर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कल जब हम यहां SC ST एक्ट पर उसको पारित कर रहे थे ठीक उसी वक्त मेरठ में एक दलित युवक को भीड़ ने पीट पीट कर सरेआम मार डाला और सर इससे भी ज्यादा दुखद और आश्चर्यजनक बात यह है कि मेरठ की पुलिस को ये आदेश थे कि जो कांवड़िए आ रहे हैं उन पर पुष्प वर्षा करे वो पुष्प वर्षा कर रहे थे लगे हुए थे उसमें और एक युवक मारा जा रहा था उसको बचाने वाला कोई नहीं था ये स्थिति है दलितों को बचाने के लिए हम कानून बनाते हैं और दूसरी तरफ उनका पूरी तरह से उत्पीड़न लगातार जारी है मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं पॉलिटिकल इस मामले को नहीं बनाना चाहता हूं लेकिन ये कहना चाहता हूं कि जो लगातार दलितों के बारे में बात करते हैं और तमाम तरह की योजनाओं की बात करते हैं वे ये नहीं सोचते हैं कि ग्राउंड पर हो क्या रहा है उनके साथ उन नौकरियों में उनके साथ क्या हो रहा है किस तरह से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है कैसे उनके खिलाफ मुकदमा अगर वो लिख भी जाते हैं तो कैसे धमका के वापस लिए जा रहे हैं ये सारा काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है और उस पर किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी सरकार की तरफ से गवर्नर की तरफ से माननीय गवर्नर रोजाना हमारी सरकार थी तो कमेंट करते थे अब उनका मुंह कभी नहीं खुलता ये स्थिति है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय ये चाहूंगा कि जो केंद्रीय मंत्री हैं संबंध में ये थावरचंद गहलोत साहब वो इस चीज की जांच कराएं कि किस तरह से इस लड़के को मारा गया उसका भाई पुलिस में था रो रहा था मंत्री जी मंत्री जी कृपया और ये पता करें क्या उस समय पुलिस नोटिस कर रही थी नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज डॉक्टर साहब बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बता रहे हैं जो है वर्षा कर रही थी फूलों की ये जांच करा प्लीज सर किसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाजत नहीं डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव What are you, sir? Doctor Chandrapal Singh Yadav. माननीय उपसभापति जी, आपसे सदन के माध्यम से देश के विभिन्न छावनी क्षेत्रों में निवासियों की जो कठिनाइयां हैं उनके बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय उनके जिस तरीके से उपसभापति जी हर घर में प्रसारित किया जा रहा है उनकी पूरा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है मैं झांसी के उदाहरण देना चाहता हूँ कि झांसी के सदर बजाज छावनी की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वो स्थानीय सैन्य अधिकारियों की हर धर्मता के कारण बंगला नंबर 8 लालता प्रसाद का हाता जो कि सिविल एरिया में स्थित है के कारण के रिजम्पशन की एक प्रक्रिया प्रस्तावित करवाई गई है जिससे वहां भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है श्रीमान कहने को तो एक बंगला है लेकिन उसमें लगभग 61 परिवार जो है निवास करते हैं जिस जिनकी आबादी 800 है जिनमें अधिकतर लोग गरीब और मजदूर हैं जो कि छावनी के नियमानुसार समय पर बिजली पानी नीच की इजाजत नहीं है अदा कर रहे हैं श्रीमान आपसे आज के मौके पर निवेदन करना चाहता हूं कि छावनी परिषद में जो लालता प्रसाद का हाता जिस पर जो है रिजम्पशन की कार्रवाई की जा रही है उसको तत्काल रोकने की कृपा करें श्रीमान माननीय रक्षा मंत्री जी ने 4 मई 2018 को एक बैठक बुलाई थी जिसमें छावनी क्षेत्र के तमाम सम्माननीय सांसदों को बुलाया था उन्होंने सुझाव भी दिए थे और माननीय रक्षा मंत्री जी ने ये आश्वासन दिया था कि एक संसदीय कमेटी बना करके छावनी क्षेत्र में जो लोगों की कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों के निराकरण के बारे में
दूसरी तरफ जो उनकी नियमावली है उनको उसमें सुधार करने के बारे में उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन श्रीमान आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और झांसी में जिस तरीके का उत्पीड़न हो रहा है, लीज रेंट बढ़ाया गया है, जिस तरीके से रिजम्पशन की कार्रवाई की जा रही है, श्रीमान मैं आपसे निवेदन आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय रक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस रिजम्पशन की कार्रवाई को तत्काल रुकवाने की कृपा करें और छावनी क्षेत्र में रह रहे जो लोग हैं उनकी कठिनाइयों के निराकरण के बारे में निश्चित रूप से विचार करें। ये हम आज के मौके पर निवेदन करना चाहते हैं। धन्यवाद। डेरिक साहब, order, sir. This is your first 1 hour in the chair. You please, we welcome you, sir. But you are the only person who's sitting in the chair who can protect us. For the last half an hour, I have not got protection. I am only quoting rule 258. Please look at 258, sir, very humbly. This is 258, page 90. I'm not asking for anything special. I'm only asking for my right as a member. Any member may at any time submit a point of order for the decision of the chairman, but in doing so shall confine himself to stating the point. Right. The chairman shall decide all points of order which may arise, and his decision will be final. Right. Sir, it is your right to make the decision, my right as any member to raise the point. Yes. So I was referring to rule 258, for which I have lost my voice also in the last half an hour, but no problem. My point of order after 258 is to do with today's list of business. Today's list of business, then, sir, may I humbly guide you to page 10, 25, 4, rule 25, subsection 4. I am referring to the list of business. Today's list of business, after 0 hour and question hour, lists private members' resolutions after legislative business. When we look at these rules, we need to look at the rules, and we also need to look at precedence. The precedence has always been, the convention has always been, that private members' resolutions and legislative business will not be taken up after 2:30 on Friday afternoon. It is nothing new. I've only been here for 7 years. There are people who've been here for 47 years. They'll know a lot. This list of business, sir, yes, there will be 0 hour. Yes, there will be question hour. Yes, there will be private members' resolutions. But you please take the sense of the House this side, and all the precedents in the past, bar one, when the enemy property bill was passed, when there were three people sitting in the House, and that was not done in good taste. In that spirit, sir, of a parliamentary democracy, where this House belongs to all of us, please consider taking a private resolution only at 2:30 and not doing backdoor legislative business. Thank you. Sir, सदस्य जो कह रहे हैं, हाँ, उनको मालूम ही है, पिछली बार जब बीएससी का मीटिंग हुआ था और जिसमें हम माननीय एम करुणानिधि जी के निधन के ऊपर ये बात कर रहे थे कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक दिन सदन को स्थगित किया जाए, उसी समय ये तय हुआ था कि क्योंकि सरकार के पास बहुत ही महत्वपूर्ण बिल हैं, इसलिए उन बिलों को नहीं आप नहीं होंगे ना उस समय, एक मिनट सुन तो लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं, इसलिए इन बिलों को उन बिलों को पारित करने के लिए आज जो प्राइवेट मेंबर जो बिजनेस है उसको स्थगित कर और महत्वपूर्ण, एक मिनट मैं पूरी कर लू, रामगोपाल जी एक मिनट में इस दिन ये कार्रवाई नहीं होगी, ये कभी नहीं उठा, हम सारे लोग बैठे हुए थे और चेयरमैन साहब से बात कर रहे थे, आप कहां से ये चीज नहीं ले? रामगोपाल जी सुनिए, अगर आप रामगोपाल जी कृपया शांति बनाए रखें, इसलिए ला रहे हैं कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन बिल को सरकार क्यों लेके आ रही है तो मुझे मालूम नहीं है, वरना आज भी जब हम लोग बैठे थे तब भी सबने ये तय किया कि 0 आवर और क्वेश्चन आवर के बाद इसको इन बिलों को ले लीजिए, नहीं तो सरकार को तो अपना बिजनेस करना है, फिर स्थगन को क्या आगे सदन को आगे बढ़ाया जाएगा या क्या किया जाएगा इसके बारे में आप तय कर लीजिए। सरकार चाहती है आपके सहयोग से इनको पार करना,
अगर आप दूसरे रास्ते खोजेंगे तो जो बीएससी की मीटिंग में तय हुआ था उसके बारे में मैं कह रहा हूं, इसलिए मेरा निवेदन यह है कि सबको इसके लिए स्वीकार होना चाहिए। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मंत्री महोदय ने बीएससी की मीटिंग का जिक्र किया है, रामगोपाल जी ने उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया है। हम सब लोग बीएससी के मेंबर्स हैं, हम बीएससी की बैठक में थे। इससे पहले आप माननीय उपसभापति महोदय अपनी रूलिंग दें, बीएससी के मिनट्स निकाले जाएं ताकि सच्चाई सामने आए। बीएससी में कोई जिक्र इस बात का नहीं हुआ, मैं इसको पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। बीएससी के मिनट सदन के सामने लाए जाएं, पूरे सदन को पता लगे कि सरकार इस पे झूठ बोल रही है। कृपया बैठ जाए, कृपया बैठे। सरकार झूठ नहीं बोल रही है, आप भी जानते हैं अच्छी तरह। अभी अगर आप अब बदलना चाहते हैं तो वो बात अलग है, ये बात तय हुई थी वहां पर उस समय और आज भी इस बात के ऊपर चर्चा हुई थी। आनंद जी, आनंद जी सर, देयर इज अ पिक, देयर इज अ प्रेसिडेंट, देयर इज प्रेसिडेंट विच द डेप्यूटी लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी हैज सेड वन द बीएससी मिनट्स। There are many senior people here, like even Pawarji. Nothing of this was discussed. Please give us a ruling also on my 0 hour, sir. Right. Bhupen ji, कुछ कहना चाहते हैं? Bhupen ji, ऐसे नाम दे रहे हैं जो मीटिंग में नहीं थे, उनके मुंह में शब्द डाल रहे हैं आप। ऐसा थोड़ी होता है। तय होने के बाद आप कोई दूसरे बात नहीं करेंगे। मैं को ना पास करने के लिए तो आप वैसा सीधा कहिए, ये मत कहिए कि बीएससी में ये बात नहीं आई थी, ये बीएससी में बात आई थी। श्री डेरिक ओबेरॉय ने रूल 25 और 26 को पढ़ा है, 25-2 को पढ़ा है। सर माय पॉइंट ऑफ ऑर्डर, एक मिनट का लिखा है, एक मिनट सर, हम पुकार लिया भूपेंद्र जी का सर, सर डिप्टी चेयरमैन सर, बार बार बेल में यहाँ आकर के शोर करना ज्यादा बेहतर नहीं है। नहीं, अनेक गंभीर मुद्दे सामने हैं, नीरज जी सब पे बहस हो रही है, आप कृपया जाहिर श्री विनय विश्वम सर प्लीज श्री विनय विश्वम प्लीज पहले कृपया बैठ जाए सर, केरल में कल केरल में 20 लोग मरे हैं उस पर प्लीज कोई चीज रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है सिवाय मिस्टर विश्वम की बात के, प्लीज सिचुएशन इन केरला, मिस्टर विश्वम की बात के कोई चीज रिकॉर्ड पर नहीं है। इन टू दिस टाइम इन थर्ड टाइम द हाउस स्टेट इज फेसिंग वेरी सीरियस फ्लड प्रॉब्लम, प्लीज माय फ्रेंड्स लिसन टू मी सर, in six districts the whole nothing will go on record sir, Shri Biswas ji ki baat ke alawa koi chiz record pe nahi hogi sir, in six districts the life has come to a standstill sir 23 people have died so far sir, please 23 people innocent people have died so far sir, the airport in Cochin is closed for 2 hours yesterday sir, the rails have forced 24 dams to be opened sir, in many cities the life has come to a very serious situation sir, the people of Kerala are suffering a lot sir, this is the third time, please the third time a small state of Kerala is facing a serious situation because of floods sir, my request is that the central government should entrust the air force, the navy, the army all to restore the Kerala people sir, this is the national tragedy sir, national tragedy sir, my point is that to face the national tragedy कृपया शांति बनाए रखें, कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी मिस्टर विश्वम की बात के अलावा, to face the national tragedy we the people of Kerala stretch our hands to the whole nation
please come and support the people of Kerala. Please support the government of Kerala. The government of Kerala is telling by all means to for this situation, sir. But sir, the government of Kerala alone cannot face it. So I request the government of India to come in support of the Kerala government and the Kerala people. Sir, please send the forces to Kerala and see that the people are rescued. Sir, this is a national tragedy. I request the government to proclaim this as a national tragedy and rush assistance to the people of Kerala at immediate time. Sir, please don't hesitate. Sir, this is a time of grief for the people of Kerala. Sir, please help us, sir. Please help us. Kerala is demanding your help from you, the whole nation. Please help us, sir. Thank you very much. मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर रूल 258 में है. अभी जो श्री डायरेक्ट ने प्रश्न उठाया रूल 25 पॉइंट ऑफ ऑर्डर रूल पॉइंट ऑफ ऑर्डर 24 का, मेरा ये कहना है उससे पहले उनको रूल 23 और रूल 24 पढ़ना चाहिए. रूल 24 में फ्राइडे को 2.5 आवर के बाद जो गवर्नमेंट बिजनेस है वो किया जा सकता है. स्टेटमेंट बाय गवर्नर आज की कार्य सूची के क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के समक्ष सूची दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखती हूँ. हाउ अगर अगर आप ये माहौल रखेंगे तो किस तरह से बहस और बातचीत हो सकती है. ये शोभा नहीं देता इस तरह बेल में आना और शोर करना. श्री डीपी वत्स बीजेपी, श्री डीपी वत्स बीजेपी, जीरो आवर के बड़े महत्वपूर्ण सवाल है वो सामने आ रहे हैं उसको आप सुने. इंस्ट्रक्शन इन द हाउस लीडिंग टू एट गवर्नमेंट विदाउट एनी प्लान यूजफुल बिजनेस बीइंग कैरिड आउट हैज कॉज एंग्विश एंड रिजेंटमेंट इन पब्लिक. ये जो सवाल है The conduct of honorable members is being discussed. House is adjourned till 12 noon. MP stand a very low esteem in public eye. House is adjourned till 12 noon. We have to bridge the income gap between the farmer and the non-farmers. Despite our having full food security, having reached almost 300 million tons of food grain, still about 40% of the world's hungry children are Indian children. Yeah. Also, 20-25% of the world hungry people are still Indian. Therefore, if you have to remove all these three
major sins of life, then obviously you have to make it so that agriculture becomes more remunerative so that you can meet this very fundamental requirement. Watch Eureka with Professor R.B. Singh, former President, National Academy of Agricultural Sciences, Saturday 4 p.m. and Sunday 12 noon, only on Rajya Sabha Television. Risen from a multi-hued cultural canvas. Tradition and cultural fervor dating back centuries. And encircling them all, there's a magic that awes. Embrace your nation's brilliant human warmth. Watch Colors of India, Sundays at 9:30 p.m. on Rajya Sabha Television. माननीय सभासद, माननीय सभापति जी, क्वेश्चन नंबर 256, श्री हुसैन दलवाई, accept the question and the answer. We want Minister Consumer Affairs, Food and Public Administration. Ramesh ji. We have to take up important issues. Please cooperate. The Kerala member was talking about the floods. 22 people died in Kerala and we don't allow him to speak also. What is the priority, Deshka? And we should not waste time now because we have only precious days. Try to understand this. Please cooperate. Try to understand. Important issues are there. Bills are there. I can tell you the other day
when we all met here on my invitation at 10:15 in my chamber, and we discussed about giving holiday to Thiru Kalingar Karunanidhi's this thing device, it was suggested that we'll have bills on Friday. So that being the case, but anyhow, that will be taken up at 2:30, not now. So please question, do you want question hour or not? The house is urgent to meet at 2:30 p.m.